एवरीवन, इस वीडियो में मैं कोविड वैक्सीन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। आजकल सब जानना चाहते हैं कि अगर आप दो अलग प्रकार के कोविड वैक्सीन ले लोगे तो क्या उससे कोई दिक्कत हो सकता है क्या। व्हाट हैपन व्हेन यू मिक्स टू डिफरेंट कोविड वैक्सीन। आपको पता होगा कि अभी हमारे पास जो भी वैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड हो गया या कोवैक्सीन हो गया, उसमें दो डोज लेना पड़ता है। तो पहला डोज सपोज आप कोवैक्सीन का ले लिए और जब दूसरी डोज की बारी आई तब आप कोविशील्ड ले लिए, या फिर आपने पहले कोविशील्ड का वैक्सीन ले लिए और दूसरी डोज में कोवैक्सीन ले लिए, तो ऐसे में क्या हो सकता है। या अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों डोज आप कोवैक्सीन का ले लिए और एक साल बाद कोविशील्ड का ले लोगे, तो ऐसे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनमें लंबे समय का गैप होता है और वैक्सीन क्या करता है कि आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो जब तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। एंटीबॉडी कम होगा या ख़त्म हो जाएगा तो आप दूसरी वैक्सीन ले सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पहला डोज आपने एक अलग प्रकार का ले लिया, फिर दूसरा सेकेंड डोज अलग प्रकार का ले लिया, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए अभी क्या हुआ, महाराष्ट्र के एक आदमी को यहाँ पे उसको दो अलग अलग वैक्सीन का डोज दे दिया गया। फर्स्ट डोज उसको दिया गया कोवैक्सीन का और दूसरा डोज उसको कोविशील्ड का दिया गया, और इसी की वजह से उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा गया है। उसका फैमिली वालों का कहना है कि उसको माइनर कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हेल्थ अथॉरिटीज़ को भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ऐसा क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, आप अलग अलग वैक्सीन एक आदमी को कैसे दे सकते हैं। हम अलग वैक्सीन तब दे सकते हैं जब पहले उसके बारे में हमको पूरी जानकारी होना चाहिए, उससे पहले उस वैक्सीन के बारे में पूरी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, पूरी स्टडी होना चाहिए और हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट होना चाहिए। हमको पता है कि वैक्सीन बनाने में बहुत लंबा समय लग जाता है, ये तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना कम टाइम में हमें वैक्सीन मिल गई, अदरवाइज 4 or 5 साल मिनिमम लग जाते हैं वैक्सीन को बनाने के लिए। तो जब वैक्सीन बनाने में इतना टाइम लग जाते हैं तो जब आप अलग अलग वैक्सीन दोगे तो उसके बारे में भी आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और दो अलग अलग वैक्सीन के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा और इसके लिए भी टाइम लगेगा। तो अलग अलग डोज के वैक्सीन लेने पर यहाँ पे कोई स्टडी नहीं हुई है, हमारे इंडिया पे कोई स्टडी नहीं हुई है, दूसरे कंट्री जो है इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसी की वजह से हमको अलग अलग वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, जो आप पहले वैक्सीन का डोज आपने लिए हो वही वैक्सीन का सेकेंड डोज भी आपको लेना चाहिए। अगर आप पहले डोज में कोवैक्सीन का लिए हो तो सेकेंड डोज भी आपको कोवैक्सीन का लेना चाहिए, अगर आप पहले डोज कोविशील्ड का लिए हो तो आपको सेकेंड डोज भी कोविशील्ड का लेना चाहिए। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।